इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। वन फुल बॉटल लेकर आना जल्दी से। ए, नहीं यार, एमआरपी रेट में तो अपन पी नहीं पाते। यहाँ फाइव स्टार में पियेंगे तो पता नहीं कितना बिल आएगा। ए, अबे आने दे यार, वो आएगा तो भरेगा ना। और वैसे भी कौन सा अपने बाप के पैसे से भर रहा है। धोखा देके अन्याय करके लोगों से छीना हुआ पैसा है उसके पास, वो आके भर देगा। उसका भौकाल कितना है देखा है, उसके कार के आगे दो कार, पीछे दो कार। यहाँ तक कि उसके बंगले के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। पता नहीं कैसे उसके घर वाले उसकी इस बेईमानी की कमाई को हजम करते हैं। हाय! मिस्टर अमर, यू आर वेलकम। ओह हाँ, एक और सिप पी सकते हो। टाइम है, टाइम है। मुझे क्यों बुलाया मामा? एक नई कार ले रहा हूँ, एकदम ब्रांडेड। सुपर। इसलिए उसका मामूली नंबर नहीं चाहिए, एक अच्छा फैंसी नंबर चाहिए। आप आरटीओ में जाकर बुक करके आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? इन सब कामों के लिए तुम्हें सिर्फ मैं ही नजर आता हूँ क्या? एक दिन चीकू फोन करके कह रहा था कि वाटर पाइप को चूहे ने काट लिया है, उसे ठीक करवा दो। व्हाट एम आई, टेल मी। अरे हाँ मामा, मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। एक बार आप ट्राई करके देखिए ना। रहने दे, मुझे बहुत काम है, वो दिमाग खा जाएगा मेरा। ए मामा करो ना यार। हे वेट 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 वेट। व्हाई? अ ब्रॉड किस। या आई लव इंडियन, यू नो इंडियन किस। फैबुलस, दैट इज इंडियन पावर। हेलो मामा। ए अबे फोन रख बे कमीने। मामा एक बार और करो ना। देख मुझे काम है, मुझे छोड़ दे। करो ना यार मामा एक बार। हाँ मामा। ए चुपचाप फोन रख बे बेशरम। अरे वो मुझे कभी कभी दीनार पॉन्ड्स डॉलर्स भेजता रहता था, अब तूने मेरे पेट पे लात मार दी ना भाई। क्यों तू भी अपने बाप के रास्ते पे जा रहा है? Hey, what's happening? Nothing, some bad guy is calling. अरे इसे फोन करना पड़ेगा और मनाना पड़ेगा। अमर ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। रुक तुझे बताता हूँ मैं। डियर। प्लीज 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 प्लीज। ये सुनने वाला नहीं, देखने वाला मैटर है। दिखा मुझे भी, दिखा जल्दी दिखा। बेवकूफ वीडियो कॉल कर रहा है, अब सब कुछ देखना भी चाहता है क्या? यू आर अ पेस्टर। ठीक ठाक नहाना पड़ेगा। मेरे बारे में क्या बात कर रहा था वे? गुरु आप क्यों पूछ रहे हो? गुरु आपके बारे में ही बातें कर रहा था। भाई मैं क्या बोल रहा था बताऊं?
यही बातें मैंने बताई। अरे कमीनो, मेरी टेबल पर बैठकर मेरे ही पैसों से ड्रिंक कर रहे हो और ऊपर से मेरे ही बारे में बुरा भला कह रहे हो। जो टेबल पर नहीं है उसके बारे में बात करना नेचुरल है ना गुरु। Give me vodka with lime and soda. Idiot, दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी हरकत है? अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ए, तू आगे चल। यहाँ पर ये सब कॉमन चीज है बेबी, डोंट वरी, कैरी ऑन। ए जाना भाई, रिलैक्स बेबी, तुम परेशान मत हो, उस तरफ मुड़ के पियो आराम से। ऐसे लोगों को एंट्री ही क्यों देते हैं? ए, जा भी यहाँ से। ऐसी जगह पर तो ये सब कुछ कॉमन होता है, चल बेबी। लगता है अपनी टाइप का आदमी है। व्हाट्स अप बॉयज, सही आदमी क्या है? इन सब जगहों पर ये भी तो कॉमन ही होता है। तू जानता नहीं है मुझे, तेरी टॉस। चुपचाप यहां से निकल जा, अगर जोर से सांस लिया ना तो याद रख तेरी सांस रुक जाएगी। इस तरह से डायलॉग मारना और ये ऐसा बिल्टअप देना मुझे भी अच्छे से आता है, लेकिन आप उनको क्या करना, हम तो ठहरे गरीब के बच्चे और गरीब को अपने हद में रहना चाहिए, इसलिए जरा चुपचाप हूँ। लेकिन अगर गरीब लोगों से पंगा लिया तो तुम लोगों को ज्वालामुखी दिखेगा, अगर वो सामने आया तो तुम्हें दिखेगा गजेंद्र। उसी तरह से ये है एजेंट हमारे, साथ में आओगे या फिर अकेले आओगे, यू डिसाइड। हे चा, रुक जा, मेरी बात सुन। घोचू, अमर नहीं, अमरनाथ बोल। अमर वो नाम तो सिर्फ जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए। कौन भाई? इस शहर का तो सिर्फ एक ही भाई है और वो है राज भाई। समझ गया। You are so nice. Thank you. अरे यार, तू तो गांव जाने वाला था। चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता। ठीक है। आखिर में जो जाएगा वो बिल सेटल कर देगा। ओके। अमर, तुमने लोगों को धोखा दिया है, लोगों के साथ अन्याय भी किया है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, ये सच है? क्या बोला? हर कोई कह रहा है कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो, क्या ये बात सच है? यार मैं तुझे घर तक ड्रॉप करने वाला था, लेकिन तूने मुझसे जो सवाल पूछा है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये पकड़। अबे ले, ऑटो लेके घर पे चला जा। गेट आउट। बीच सड़क पे मुझे छोड़ के जा रहा है तू? बहुत घमंड हो गया है तुझे। माँ, मैंने खाना खा लिया, आपने खाया? जाओ, जाकर सो जाओ। हे भगवान, मेरे बेटे की शादी जल्दी करवा दो। हैप्पी बर्थडे टू यू बॉबी। अमर, मुझे परेशान करने के लिए मेरे पास एक लड़की है। Take it, baby. अमर, तुझे आज के बाद नींद नहीं आएगी और मैं चैन की नींद सोऊंगा।
बॉबी। सेटलमेंट करने आया है अरे इसे देख ये तो हीरो की तरह पोज दे रहा है हीरो की तरह चांस ही नहीं है नो वे हे मैं हीरो ही हूं बे तेरे साथ सेटलमेंट करके दे दूंगा ऐसा मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया एंड माय प्रॉमिस इज माय लाइफ ऐसा ही भाई कलयुग के कर्ण की तरह अगर एक बार वादा किया तो 100% सेटल करके ही देगा वो ठीक है जा लेकर आ ठीक है ठीक है चिको माँ से कह देना सेटलमेंट हो चुकी है तुम्हें अकेले छोड़कर मैं तू जाना सर इसे मैंने बता दिया है दे देगा मेरे फ्रेंड के घर में पहले कदम किसने रखा था कौन है वो है ए तूने माँ से क्या कहा था हाथ उठाकर एक मारूंगा ना तो सीधा जमीन में धंस जाएगा तेरी हालत देखकर तुझे छोड़ रहा हूं मेरी बाइक 2 लाख रुपए की है इसे बेचकर पैसे रख ले बहुत दर्द हो रहा है क्या हुआ बेटा पापा जब फाइट मैंने की है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है कहां है बाइक कहां है दे दी उसको दे दिया क्यों क्यों फाइट किया तूने पापा टॉवेल जोड़ो मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मारा मतलब तूने उसके साथ फाइट की और अपनी बाइक भी दे दी माय प्रॉमिस इज माय लाइफ इतने सालों से एक ही कॉलेज में पढ़कर फेल हुआ तो उसका आज फायदा मिला है आई डोंट लाइक सलवार सूट आई लाइक ग्लैमर्स तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं रोड पर चलने वालों को ठोक कर चली जाती है तू ए तुम क्यों रोड पर चल रहे थे फुटपाथ पे चलना चाहिए ना कॉमन सेंस नहीं है क्या ये सेंस और कॉमन सेंस की जरूरत तुम जैसों को है कॉलेज में भला कोई ऐसे कपड़ों पे आता है क्या चूड़ीदार पहनकर माथे पर बिंदी लगाकर कानों में 2 झुमके पहनकर आना चाहिए उस जगह छोटे छोटे कपड़े पहनकर अगर आओगी तो कैसे दिखोगी ये जो तुमने ड्रेस पहना है ना ये क्लब डांसर वाली का ड्रेस है माइंड योर टंग ये पूछने का हक या अधिकार तुम्हें नहीं है मैं चाहे जो भी पहनूं तुम्हें उससे क्या Get lost. Fellas, I'm so cool, don't you wanna say? Don't you wanna say? Fellas, I'm so hot, won't you give me some hair?
क्या हो गया इस दुनिया को, इस दुनिया को मालिक 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 मालिक, 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 मालिक मेरी बात तो सुनो। ओहो खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है सर। सर सर खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सर। मुझे खाना खाए 3 दिन हो गए सर। सर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आपको पुण्य मिलेगा। वो क्या है कि डिब्बा मुझे दे दीजिए ना सर प्लीज। रुक जा, ये डब्बा मैं अपने बेटे के लिए लेके जा रहा हूँ। देख तुझे देख के मुझे बुरा लग रहा है। तो रहम करो ना। इसमें 2 चीजें मेरी बेटी की पसंदीदा है। वो दोनों मैं अपने बेटे को दे दूंगा, बाकी के तुम खा लेना। और एक काम करो, जब तक मैं वापस आता हूँ टिफिन धो के रख लेना। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ये लीजिए आपका डिब्बा सर, मैंने पेट भर के खा लिया सर। थैंक यू सर। तू वही भिखारी है? यस। नौटंकी करके मेरे बेटे का खाना खा लिया? जीजा। कौन है तेरा जीजा? मैं हूँ ना जीजा। जीजा तुम्हें कहीं तो देखा है। मैं आपकी बीवी का भाई हूँ जीजा। हाँ? मेरी सुधा का भाई? हाँ? ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या करूँ जीजा, गांव में करने के लिए कोई काम नहीं है तो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। आप बस मुझे अपने घर में रख लीजिए और एक नौकरी दिलवा दीजिए तो मैं इंडिविजुअली जी पाऊंगा ना। प्लीज जीजा। नहीं तो आपने मेरा भी अवतार देखा ना, मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊंगा जीजा। आपको कुछ करना होगा। हाँ प्लीज जीजा। बहुत ही अच्छा घर है। आज के बाद मैं यहाँ पर। पहचानो कौन? तुम्हारा भाई। भाई? अरे तुम्हारा चचेरा भाई। भैया तुम हो भैया? पर तुम तो नदी में कूद कर मर गए थे ना, हमने तो यही सुना था। तो मरने की सोच के था लेकिन पानी खराब हो जाएगा ये सोच के वापस आ गया। ओ भैया तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा हुआ जो तुमने अपना इरादा बदल दिया। अमर अमर चल यहाँ, ये मेरा बेटा है, अभी अभी कॉलेज से आया है। देख अमर कौन आया है। अरे रे 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 बहना, ये तो नारियल के पेड़ के जैसे कितना लंबा हो गया है। अब बस ये अगर 1 इंच और बढ़ गया तो सीधा आसमान को टच करेगा। मामा? हाँ बेटा तेरे मामा है। मेरा मामा? हाँ। अरे ये मेरे चाचा के बेटे हैं। पता है हम लोग गांव में बचपन में लगड़ी लगड़ी खेला करते थे। लगड़ी चू लगड़ी चू, तुम्हें तो सब कुछ याद है बहना। एक मिनट में कॉफी बनाकर लाती हूँ। भूख लगी है, खाना भी ले आना। फिर से खाना? आपको कुछ पता नहीं, आप चुप रहिए ना बहना। हाँ मैं लेकर आती हूँ, जल्दी बनाओ। हाँ तुम दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आता हूँ। जिराब जैसी हाइट हो गई है इसकी, इससे मैं कैसे गले मिलूं? हाँ इसे तो गले लगाना पड़ेगा। अगर इसे पटा लिया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। शाबाश शाबाश। अरे बेटा तू इतना लंबा है कि तेरे लड़के कहाँ से ढूंढे? पता नहीं वो कहाँ होगी। हाय गाइस। हाय दिस इज सैंडी, ही विल टेल यू अबाउट बाइक्स। हाय एवरीवन, आई डिस्कस विद बॉबी। दिस रैली विल स्टार्ट फ्रॉम मणिपाल, इट्स गोना गो थ्रू मडिकेरी, सुल्तान वेटरी, गेस वेयर इट्स गोना एंड, इट्स गोना एंड एट ऊटी। जानते हैं कि हमें 1000 saplings प्लांट करनी है। The trees are very important to us. और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है। Excuse me. What? It's a very ordinary idea. You have a better one. आपका आइडिया तो ओके है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम पौधा लगाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद उसकी देखभाल कौन करेगा? Who's gonna take care? यहाँ किसी के पास बॉल है क्या? कभी तो वो बॉल मांग रहा है। अमर कैच इट। You see, seed ball. ये आइडिया मेरा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पूर्वज इसे यूज करते थे। मिट्टी में गोबर मिलाकर उसे पानी से गीला करके उस मिट्टी में एक बीज को रखकर उसे बॉल की तरह बनाकर, ऐसे हजारों बॉल बनाकर एक जगह पर उन्हें इकट्ठा किया जाता था। फिर वो सीड बॉल किसी खाली जगह पर फेंक दिए जाते थे और बारिश आने के बाद ऑटोमेटिकली वो पौधा बनकर फिर पेड़ बनेगा और उसके बाद घना जंगल बन जाएगा। हम इस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे। We'll get the best out of it. Wow, sometimes. Stupid people have good ideas. अगर बीच में बात की ना तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ तुझे नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरा 10% कमीशन बन गया। ठीक है ठीक है। हाय हाय अमर। हे मामा क्या बात है आज इसके साथ? ऐसे कुछ मत बोलना। क्या स्पेशल है आज? हाय चिकी चिकी बम बम, चिकी चिकी बम बम, चिकी चिकी बम बम बम। नटी ये कमाल का भांजा आज मामा के साथ आए हो। वो क्या है कि तू बोल देना। देख भाई
ये ना तेरा फ्रेंड है और ना ही मेरा फ्रेंड है, लेकिन इससे प्रॉब्लम है। इसका एक बच्चा है और उसके हार्ट में होल है। ये जो कमारा है उससे बच्चे के ऑपरेशन करवा कर घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। ये ओला चला लेगा, ऊबर चला लेगा तो कमाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ये ऐसा कुछ कह रहा था, मगर इसके पास लाइसेंस नहीं है। वो क्या है ना कि व्हाइट बैच कार्ड इसके पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है, ये इसने मुझे बताया। तू कलयुग का कर्ण है तो जो वादा करेगा वो पूरा करेगा। अपना वादा पूरा करने के लिए तू कुछ भी कर सकता है, ऐसा ये हमारा पूरा स्टेट बोलता है। लाद दे, हाथ दे और प्रॉमिस करना मुझे तेरा जो व्हाइट बैच है वो तू इसे दे रहा है। चल हो गया ना, ठीक है। चल ला तेरा वॉलेट दे, वॉलेट। मेरा वॉलेट? हाँ वॉलेट देना, अरे देना इसे जाना है। ला 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 दे, हाँ ये ले। गुड लक चंद्रा। रैली में पहले लीड बाइकर्स जाते हैं। लीड बाइकर्स आगे देखकर बाइक चलाते हैं ताकि पीछे आने वालों को कोई तकलीफ ना हो। पीछे के बाइकर्स दो लेन में चलेंगे और उनके पीछे एम्बुलेंस होगी, फिर वर्क स्टेशन होगा। हेलीकॉप्टर की परमिशन मिल चुकी है। आप सबको दिया हुआ GPS हमेशा ऑन रहेगा। सबको निर्धारित की हुई स्पीड में ही चलना है। सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब तो जानते ही हैं, पेड़ पौधे हैं तो दुनिया है। हम चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हों, लेकिन जीने के लिए ऑक्सीजन इस नेचर से, इन पेड़ पौधों से ही हमें मिल सकता है। इसीलिए हमें ये पौधे लगाने हैं। हमें पेड़ों को बचाना है, जंगल को बचाना है, और जो भी इस जंगल को बर्बाद करेगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। ए, अपना बकवास बंद करो। हम गांव वाले पेड़ को नहीं काटते हैं, समझे? पेड़ काटने वाले तुम सब शहर वाले लोग हो। अरे उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करके बात करो। हम गांव वालों को समझाने आई है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। अरे हम लोग पेड़ों की जितनी सेवा करते हैं, आप लोग करते हैं क्या? देखिए आधा जंगल बर्बाद हो चुका है, लेकिन बचा हुआ जंगल बर्बाद नहीं होना चाहिए। गाँव, शहर, पंचायत, तालुकाएं, जिले, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। हम लोग अपने मतलब के लिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे आपके बच्चों का और उनके आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। ये भीग क्यों रही है? बीमार पड़ जाएगी तो कौन देखेगा इसे? जंगल में डॉक्टर भी तो नहीं है। सुनो, आप ऐसे बारिश में भीग क्यों रही हो? एक तो बारिश भी बहुत ज्यादा है, उसमें बीमार पड़ जाओगी तो तुम्हें देखने वाला कौन है? चलिए अंदर चलिए। मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? अरे आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। Hey, enough. ठीक है, इस छाते का इस्तेमाल कीजिए। कुछ ज्यादा ही इरिटेट कर रहा है। बॉबी इज वेरी सीरियस। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, लोकेशन भेज दीजिए। स्टॉप 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 प्लीज स्टॉप 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 स्टॉप। वो अंदर है। हाँ आप उस तरफ। मैं ड्राइव करता हूँ, आप लोग बाइक से आ जाइए। ओके। फ्रेंड्स प्लीज कम ऑन, लेट्स क्लैप फॉर अमर, ही इज बीइंग वेरी काइंड टू अस। बॉबी की तबीयत खराब हो गई थी, इसने हमारी हेल्प की। इसकी बाइक खराब थी तब इसने हेल्प की। सो बॉबी विल स्पीक फ्यू वर्ड्स। Guys, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है गुडलूर में। वेदर इज गुड, सो लेट्स लीव एंड लेट्स हैव दिस टाइम। मैंने सबको टी शर्ट दे दी है लेकिन एक बची है। ओके, कौन हो सकता है? टीचर्स डे, फादर्स डे की तरह आज ब्लू डे कह रहा है ना, तू ये ब्लू टी शर्ट पहन कर इन लोगों के साथ जा। मैं ब्लू टी शर्ट पहन के घर जा रहा हूँ, समझा? क्या हुआ यार? अरे यार, वो एक तरह से बात कर रही है और टकला अलग तरीके से बात कर रहा है, ऐसे थोड़े होता है यार। अभी तक एक बूंद नहीं पिलाया उसने मुझे। ये ड्राई डे की तरह मैं उसके साथ नहीं रहने वाला। कौन मिसिंग है? बॉबी, विश्वास कहीं दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा? सच में? नाउ वी आर गोइंग टू सी।
A beautiful weather. Come on. 50 bikers. Comma. साथ में 10 beautiful girls. Comma. Comma. तुम बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार की तरह बुलेट पे बैठकर डुक 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 जाते रहते हो. Comma. और तेरे साथ में कविता बुलेट पर बैठकर डुग 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 हार्ट में धड़ धड़ धड़. Comma. तुम दोनों का एक ब्यूटीफुल ड्यूएट सॉन्ग. Comma. मैं तुमको कभी भूल नहीं सकता. कैसे लगा? ब्यूटी. टेक इट. Comma, comma, comma. कविता, come on. अमर, विश्वास कहीं दिख नहीं रहा है. उसका फोन ट्राई किया, वॉकी पर मैसेज भी भेजा, पर कोई रिप्लाई नहीं. GPS ट्राई करता हूँ. तुम सब अलर्ट रहना. बड़ी गड़बड़ हो गई, कहीं हमें जेल न जाना पड़ जाए. सैंडी, वॉकी पर मैसेज दो. विश्वास इज मिसिंग. सब अपने गए हुए रास्तों पर वापस आ जाइए जल्दी से. बॉबी, काफी गड़बड़ हो गई, कहीं हमें जेल न जाना पड़ जाए. यार, विश्वास की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. मुझे क्या वो सिनेमा का हीरो समझ रही है जो मैं उसे बचाने जाऊं? मैं मेरे माँ बाप की एक लौती औलाद हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो. सही इस्तेमाल किया, सुपर. मैं उसको लेकर आता हूँ, तू जरा अपनी पैंट दे. पैंट दूँ? लेकिन क्यों? सही है. हाँ, वो फिल्म मैंने देखी है यार, वो सारे पैंट को एक दूसरे में जोड़ के फेंक करके उसे बचाने के लिए है ना. ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले. मैं बाकियों के पैंट लेकर के आता हूँ, ठीक है. ए, सब लोग अपने पैंट उतारो, उतारो, उतारो. अमर, अमर, सबकी पैंट छोड़कर तू सिर्फ मेरी लेकर क्यों जा रहा है? ए! अरे बाप रे, कितनी ठंडी हवा चल रही है. उसी मेरी पैंट लेकर जानी थी अकेले. ठंडी हवा से तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे. भगवान. ए अमर, वो दिखाई नहीं दे रहा है. एक काम करो, कैमरे में देखकर एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताओ. ओके अमर. मेरा पेन लेकर गया, मैं लड़कियों के बीच जा भी नहीं सकता. और ये टकला बार बार मेरे ही पैरों को घूर रहा है, पता नहीं क्या इरादा है इसका. घर में बीवी को अकेला छोड़कर आया ना, इसीलिए इसकी नियत खराब हो रही है, कमीना कहीं का. अबे देखना ही है तो जाके किसी लड़की को देखना, तुझे यहाँ क्या मिलने वाला है, ठहर की कहीं का. अमर! प्लीज हेल्प मी. We'll be right back.
ऊपर यार, तूने उसकी जान बचाई तो ग्रेट है यार। ए, ए, तू सबकी पैंट छोड़कर सिर्फ मेरी पैंट लेकर क्यों गया? क्योंकि मैं तुझे दो दिन ऐसे ही देखना चाहता हूँ। मेरी पैंट कहाँ है? वही कहीं फेंकी हुई देखना। तेरी तो। I love you यार। जरा पानी पिला। लाता हूँ मैं। पागल हो गया क्या तू? सीधे से बैठ नहीं सकता? यार 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 यही सही समय है। ए, क्या हुआ? ए, उसके प्यार को टेस्ट करने का। वो कैसे? जरा आसमान को देख। बस कुछ पल में ही बारिश होने वाली है और वो बारिश में भीगती हुई ऐसे खड़ी रहेगी और तू उसके पास जाएगा, खड़ा रहेगा। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़केगी, कड़कड़कड़कड़कड़ ऐसे करके, और वो डर के मारे भागती हुई तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें गले लगा के बोलेगी मुझे बचा लो। अरे हाँ? यार ए तू चुप बैठना, कितनी फिल्मों में देखा है मैंने, हर फिल्म में एक सीन ऐसा होता ही है। ए, देखा तूने, मैंने कहा था ना कि बारिश होगी। कमन 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 जल्दी जल्दी आजा आजा। अरे जाना चा 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 जाना। ऑल द बेस्ट। अरे इसे तो मिल गई, मुझे कौन मिलेगी। डॉक्टर ने बारिश में भीगने के लिए मना किया है ना? अरे अरे एक प्रॉमिस करोगे? मेरे पास आओ। Actually, I'm nearing death. ये क्या कह रही हो? Actually, मुझे कभी भी मौत आ सकती है. 6 days, 6 weeks, 6 years. I don't know. So if you have anything in your mind, please don't go ahead. I have cancer. Cancer? ये बात ग्रुप में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई तो लोग मुझे अजीब तरह से देखेंगे। It irritates me and I don't want anybody's sympathy. That's why I live my life bold, carefree, fast biking. Actually, you are a fabulous guy, but I can't be in love with you. Find someone. Good luck. मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। उसे क्या पसंद है? रनिंग, जिम में जा...
जाना स्विमिंग एंड क्रूज। जैसे ही वो बारिश देखती है बहुत खुश हो जाती है। उसे बारिश पसंद है और पपीज भी पसंद है। सैंडी, देखो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। मेरे हिसाब से 80 की स्पीड से बाइक चलाना बहुत रिस्क हो सकता है, इसलिए ज्यादा स्पीड अवॉइड करो। ओके ओके। हे, ये 80 क्या यार, इस वेदर में 90 रहेगा तो मजा आएगा यार। तू भी क्या बात करता है। चिकू, एक्सक्यूज अस वन मोमेंट। हैं? साइड पे जाओ ना। इंग्लिश में ही बोलना। आई नो इंग्लिश। अमर, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूं। यू आर शोइंग अ लॉट ऑफ कंसर्न टुवर्ड्स मी और इस वजह से मैं सफोकेट हो रही हूं। प्लीज डोंट डू इट। आई लव स्पीड। ओके, मैं बहुत स्पीड से बाइक चलाऊंगी। 120, 140, प्लीज डोंट फॉलो मी। जिंदा रहो, 6 हफ्ते जिंदा रहो, 6 महीने जिंदा रहो या 6 साल जिंदा रहो, यू विल बी द ओनली गर्ल इन माय लाइफ। आई लव यू। ए, मेरी मौत में भी तुम मेरे साथ रहोगी। फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज फंक्शन में तुमने जब मेरे साथ डांस किया था तब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता था तुम एक इरेस्पॉन्सिबल और घमंडी इंसान हो, बट यू आर अ स्वीट एंड गुड हार्टेड पर्सन। फ्रेंड्स, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस रैली एंड टुमारो इज द लास्ट डे, एंड ऑन बिहाफ ऑफ अस ऑल आई एम थैंकिंग मिस्टर सैंडी फॉर हिज सपोर्ट, एंड अमर थैंक यू सो मच। जिंदगी की राह में तुम्हारे साथ मैं ऐसे ही जीना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू लाइक दिस एवर फॉरएवर। रैली खत्म हो गई, मैं वापस आ। मेरे नंबर से मैंने कॉल किया है, अब मेरा नंबर तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा नंबर मेरे पास रहेगा। मैं जब भी मैसेज करूंगा उसका रिप्लाई करना है, जब भी फोन करूं उसका जवाब देना है, जब भी बुलाऊंगा तब आना है। ओके, सी यू। What the hell is wrong with you? सुबह से फोन कर रहा हूं तो तुम्हारा कॉल नहीं, मैसेज नहीं, रिप्लाई नहीं, ये सब क्या है? Will you listen to me? No, I'll not listen to you. Listen to yourself. मैंने क्या कहा था? मैसेज करो तो रिप्लाई करना है, फोन करो तो रिसीव करना है, बुलाता हूं तो आना है, यही कहा था ना? सुबह से मैं हॉस्पिटल में थी, फोन मेरे पास नहीं था, तो तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे एक एक मिनट कितनी तकलीफ हुई पता है? हजारों सोच मेरे दिमाग में घूम रही थी। ये कैसी होगी, कहां गई होगी, क्या हुआ होगा, यही सब। मैं अभी कॉलेज कैंपस में हूं, जल्दी आ जाओ। Freaking idiot! Hey!
Hey, मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? कब तक ऐसी ही खड़ी रहोगी? बस करो, कितनी बार कहोगे? तुम ये जानना चाहते हो ना कि जब भी आसमान से पानी बरसता है तो मैं क्यों खुश हो जाती हूँ, मैं बारिश में क्यों भीगती हूँ? आज बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मे बी अराउंड 5 years, आई लॉस्ट माई मदर। वो भी कैंसर से मरी थी। एक्चुअली मेरी माँ को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश होती थी वो घर से बाहर निकल जाती थी। एंड वी बोथ यूज्ड टू स्टैंड इन द रेन। बारिश में भीगते थे, नहाते थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। और आजकल आई एम मिसिंग हर टू मच। इसीलिए जब भी बारिश होती है मैं भीगने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मेरी माँ ही बारिश बनकर बरस रही है। लगता है एज इफ शी इज ब्लेसिंग मी। माई फादर इज अ ग्रेट मैन। माँ को कैंसर है ये पता चलने के बाद भी उन्होंने माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। माँ के मरने के बाद हमारे रिश्तेदारों ने उनसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, बट ही डिडंट। ही सैक्रिफाइस्ड ऑल हिज हैप्पीनेस फॉर मी। लाइफ में मुझे बहुत लड़कों ने प्रपोज किया है, पर जैसे ही बताया कि मुझे कैंसर है, वही प्यार करने वाले, प्रपोज करने वाले मुझसे दूर भाग गए। और कुछ लड़के ऐसे थे जो इसलिए मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि मेरे पास पैसा है। बट यू आर रियली स्पेशल। मुझे कैंसर है ये पता चलने के बाद यू स्टार्टेड केयरिंग फॉर मी। इन यू आई फाउंड क्वालिटीज ऑफ माई फादर। तुम्हारे अंदर मेरे पापा के बहुत से गुण हैं। यू आर रियली स्पेशल। इसलिए तुम्हें ये सच बता रही हूँ। I don't have cancer. मैंने ये झूठ तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए कहा था। अमर, मैं चाहे 6 दिन जिंदा रहूं, चाहे 6 महीने जिंदा रहूं, या 6 साल जिंदा रहूं, मेरी लाइफ में जो लड़का रहेगा वो सिर्फ तुम हो। अमर, तुम मेरी मौत में भी मेरे साथ रहोगे। आज के बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे। अच्छी है ना? Really? Yes, of course. It's for you. तुम्हें पसंद आने जैसा ही मैंने इसे रेडी किया है। I love you. बाइक नहीं होने की वजह से मेरा बेटा चलकर जाता है, इसलिए तुम्हारे पिताजी बाइक छुड़ा कर लाए। Love you, पापा। I love you, माँ। माँ, वैसे तो तुम मुझसे हमेशा प्रॉमिस मांगती हो ना? हाँ। आज मांगो, तुम्हारा क्या प्रॉमिस है? कुछ भी हो पूरा करूंगा। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ माँ। देखो, तुम कभी भी गुस्सा नहीं करोगे। और अमर, बोलिए। कुछ इंक्वायरी करनी है, आप मेरे साथ चलिए। हाँ, लेकिन किस बारे में? एक्सप्लेनेशंस विल बी गिवन एट द स्टेशन। यस स्वीटहार्ट। अमर पुलिस स्टेशन गया है, उसे लेने पुलिस वाले यहाँ आए थे। क्या? पुलिस वाले? क्यों? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अमर ने कहा आप घर में ही रहिए। ठीक है, मैं वहाँ जाके तुम्हें फोन करता हूँ। आप कहाँ हैं? मैं मैंगलोर में, अभी निकल रहा हूँ। जल्दी करिए। लाइसेंस और डॉक्यूमेंट सब तुम्हारे नाम पे है। बोलो क्या करना है। रॉबरी किए हुए 15 लाख रुपए कहाँ रखे हैं वो बता दो। टीवी 9 न्यूज में आपका स्वागत है। आज के जमाने के कॉलेज के लड़के लालच में आकर पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। अमर नाम के एक लड़के पर 10 लाख की चोरी का इल्जाम लगाया गया है, पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि चोरी उसी ने की है या नहीं। सर, असली रॉबर पकड़ा गया है, पैसों के साथ। सच में? Sir, this is the man who robbed the money. Enquiry करते समय कभी-कभी mistakes हो ही जाती। Yourself? Fiance. You can take him. Sir,
इंक्वायरी करते समय ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसा आपने सीधे सीधे बोल दिया। लेकिन मेरे माता पिता का दर्द, आप खुद चलकर आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ऐसा मेरे पिताजी से आपको कहना है। ओके, तुम जाकर जीप में बैठो, मैं आता हूँ। तू ही है ना वो कमीने? सर, अमर से मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, प्लीज। इसी का तूने तेरे बाप का घर समझ रखा है? ये पुलिस स्टेशन है। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ए, कैश सीज करके इसे कस्टडी में डाल दे, 2 मिनट में से बात करते हैं। सॉरी यार, तुमने ये गलत किया। मेरे लिए मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, जेल में ही मुझे मरना है। अमर, तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मेरी बेटी को बचाओगे। अमर, गलती नहीं है, ऐसा मेरे पिताजी से कहिए, कहिए मेरे पिताजी से। कहिए सर। आपके बेटे की कोई गलती नहीं है सर, वो निर्दोष है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। आपके ऐसा कहने से क्या मेरे पति वापस आ सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं? Left us. Don't worry, Papa. मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। I promise you. बच्चे के लिए करवाए थे, मुझे और कुछ नहीं पता था, अंदाजा नहीं था कि वो अमर इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे भाई। मामा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए कुछ भी करके पैसे तो अरेंज करने हैं। अमर, तुम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो ना, इस रास्ते से पैसा नहीं मिलेगा। These are all wrong ways, but there is a way. कोयंबटूर में एक बाइक रेस है, अगर वो जीते तो 15 लाख। बाइक स्टंट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बाइक रेस कभी ट्राई नहीं की। अमर, you can. We welcome Mr. Sandesh Nagaraj. इस बाइक रेस में आए इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। Mr. Nagaraj यहाँ के समाज सेवी और मंत्री भी हैं। हम सब चाहते हैं कि उनका मिलकर स्वागत करें और उनके लिए तालियां बजाएं। संदेश जी ने हर साल की तरह इस बार भी इसके लिए स्पॉन्सर किया है। So guys, be ready for the exciting race, and we have a candidate, Amar. ये पूरी तरीके से तैयार है इस रेस में अपना जल्द
जलवा दिखाने के लिए और इनका कंपटीशन में नंबर है 55। देखते हैं कौन जीतता है इस बार की ट्रॉफी। लीजिए रेस शुरू होने वाली है। बेटा, मिस्टर अमर इज फाइन, ही विल रिकवर वेरी सून। थैंक यू। आप जाकर मिल सकती हैं उससे। Losing in a game is all a part of life. तुम्हारी खुशी के लिए, उस बच्ची की खुशी के लिए मुझे जीतना चाहिए था। मैं तो बस तुम्हें देखकर ही खुश हो जाती हूँ। Cheer up. मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। मेरे पापा के ऑफिस में बहुत फंड्स हैं। बच्ची के ऑपरेशन के लिए मैं उनसे मांग लूंगी और कह दूंगी कि तुम उन्हें बाद में लौटा दोगे। तुम्हारे पिता के पास पैसे मांगना, मदद मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे उसूलों के खिलाफ है ये। So what, अमर? कुछ दिनों में तुम वापस भी तो दे दोगे ना? अमर, अचानक मुझसे पूछे बिना ही मेरे पापा ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी नेक्स्ट संडे। How can I react? बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं किसी से प्यार भी करती हूँ या नहीं, या वो लड़का मुझे पसंद भी है या नहीं। उनके फ्रेंड का कोई बेटा है, स्कॉटलैंड में डॉक्टर है, पर मैंने भी डिसाइड कर लिया है हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। I can't even imagine myself next to another man. चलो भाग चलते हैं। मेरे पिताजी के बारे में जानती हो ना? ये भागना भागना तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं सिखाया। लाइफ में जो कुछ भी हो, face it straight, head on. What? तुम्हारे पापा ने जिसके साथ एंगेजमेंट फिक्स की है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं वहां पर आऊंगा और सब लोगों के सामने तुम्हारी उंगली में रिंग पहनाऊंगा। हम दोनों का प्यार अमर है, ये मैं दुनिया को दिखा दूंगा। We were made for each other.
यह हम सबको बताएंगे। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस एंड माई वर्ड इज माई लाइफ। आई लव यू। आई विल लव यू फॉर एवर। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। क्रूज में यह पार्टी दे रहा हूं, उसी की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया के अमीरों में गिने जाते हैं अरुण सुबैया और उनका मुंह बोला भाई अ डॉक्टर किरण सुबैया, अ मल्टी मिलियनियर इन स्कॉटलैंड। एज अ विटनेस आफ्टर द पार्टी देयर विल बी अ रिंग एक्सचेंज सेरेमनी। लेट्स ब्लास्ट द पार्टी। Friends, now is the time for the ring exchange. Papa, give me 1 minute. Hmm. 1 minute, please. Amar? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रिंग पहनाने का टाइम हो गया है, सब वेट कर रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं। चलो। मुझे नाटक करना नहीं आता है बॉबी। अमर क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? पागलों की तरह नहीं, ये सब रियल है। देखो मुझे तुमसे दिल से प्यार नहीं है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अपने बाप के बताए हुए लड़के से शादी कर लो। हाँ और क्या, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उस लड़के के पास भी पैसा है, उन दोनों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं जीरो अकाउंट बैलेंस। मेरी बात मानो, उससे शादी कर लो। पैसे और दौलत के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। मुझे चाहिए था प्यार और वो मुझे तुमसे मिला है। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे पैसे और इस धन दौलत की परवाह नहीं है। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मेरी बात समझो बॉबी, बात समझो मेरी। फालतू में तुमसे शादी करके जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। मैं पहले से भाड़े के घर में जिंदगी काट रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ बताओ? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रास्ता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमसे पूछना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया, मुझसे वादा किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अमर तुम तो अपने प्रॉमिस के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो आज तुम्हें क्या हो गया है? देखो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। हाँ This is not the right time. मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती कर दी। But don't give me this punishment. I can't imagine my life without you. चलो चलते हैं। चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। Please, मुझे ऐसे मत छोड़ो। मैं रो रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। No way, chance ही नहीं है। बॉबे तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। In fact, I never liked you. सब कुछ झूठ है बॉबे, It's all a lie. अगर सच बात कहूँ तो तुम्हारे चेहरे से भी मुझे सख्त नफरत है। I never liked you, baby. Never liked you. Get lost. सुनो, ये तुम्हारा लुक, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का बिल, तुम्हारी ये कॉस्टली बाइक, तुम्हारा घमंड और इतने रुतबे से तुम्हारा बात करने का अंदाज, ये सारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, तुम्हें कैंसर है ऐसा तुमने झूठ बोला था ना, और मुझे अपने पीछे पीछे घुमा रही थी, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। जानती हो क्यों? तुमसे प्यार करके तुम्हारे बाप को मना के तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम्हारे नाम पर जो 500 करोड़ रुपए की जायदाद है वो मेरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा बाप किसी और के साथ तुम्हारी मंगनी करवा रहा है। पैसा बड़ा है या प्यार बड़ा है, ये देखा जाए तो पैसा ही सबसे बड़ा होता है बॉबे, लेकिन अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। सो एक ना एक दिन मैं तुम्हारे बाप की तरह बनूंगा। मोबाइल में तुम्हारे और मेरे जो फोटोज हैं वो मैं सबको भेजूंगा कहकर तुम्हारे पापा को मैंने बहुत डराया था। उन्होंने डर के मारे पूछ लिया कि क्या चाहिए। मैंने 50 करोड़ रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। तुम्हारे प्यार को
मैंने सेल कर दिया। आई सोल्ड योर लव बॉबे फॉर 50 crores। 50 crores आई एम वर्थ टुडे बॉबे। ओए, पैसा हो तो तुम जैसी 100 लड़कियां मिलेंगी, और आज उतने पैसे मेरे पास हैं। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो बॉबी, यकीन करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे पिताजी ने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए हैं। यकीन हो गया? अब जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गो 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 गो, एआई, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। इस दुनिया में अगर कोई सबसे नीच इंसान होगा तो वो तुम होगे। तुम एक धोखेबाज हो। ठीक है, मैं उसी से शादी करूंगी और उसके साथ जिंदगी भर खुश भी रहूंगी, और तुम घुट घुट कर मरोगे ये भी मैं देखूंगी। गुड बाय। थैंक यू, वेलकम टू माई लाइफ। मेरी भाई की बीवी बनकर, मेरी बहन बनकर, हमारे घर की महालक्ष्मी बनकर तुम हमेशा खुश रहना। थैंक यू। फादर, यू आर अ ग्रेट मैन, बट मैं अमर, बेकार की कोशिश मत कर। मैं तेरा फोन रिसीव नहीं करने वाला हूँ। मैं तेरा फोन रिसीव करूंगा, ये तेरा भ्रम है अमर, भूल जा। क्यों आए हो? वो क्या है ना कि तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है नहीं, ये चेक करने आए हैं बेटा। मेरा फोन चुरी हुए 8 दिन हो गया, यू नो। अच्छा, एक मिनट है। चिको, उसका वीडियो कहां से मिला है तुझे? हाँ? अच्छा, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। किसी स्कूल में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वहां गया था। फिर मैंने वहां एक लड़की को देखा, एक बार देखा, दो बार देखा। मुझे लगा कि वो बॉबी की जैसी ही है। मैंने सोचा कोई भी हो, जाने तो एक वीडियो बनाकर रख लेते, मैं तुम्हें भेजने वाला ही था। लेकिन भेजकर क्या मिलता मुझे? हे, अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की से शादी करूंगा ऐसा वादा करके, उसके बाप से 50 करोड़ रुपए लेकर के आज तू अमीर बन के घूम रहा है, शर्म नहीं आती है तुझे? है कमीना कहीं का? उस दिन तूने मुझे परेशान किया था ना, इसलिए मैं तुझे परेशान करने के लिए वो वीडियो जानबूझकर भेजा था। लेकिन तू मुझे परेशान करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा। ए, 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 ए। बाहर दुनिया के लोग तेरे बारे में क्या क्या अनाप शनाप बक रहे हैं कुछ पता है तुझे? बेशरम कहीं का। भाई, आवाज कम कर, बैठ जा चुपचाप। चल बैठ, इधर बैठ। ए, क्या तेरी क्या प्रॉब्लम है? वो क्या पूछ रहा है तुझे? वीडियो कहाँ से निकाला वो पूछ रहा है। वो एड्रेस बताना चाहिए, तुझे भी आना तो हमारे साथ चलना। ये जो हरकतें कर रहा है इसके लिए मैं अपना काम धंधा छोड़ करके इसके साथ क्यों जाऊँ? बता, अभी कार की चाबियां यहाँ रख और सुबह कार धो देना, अब निकल यहाँ से, गेट आउट। तुम लोग मेरे दोस्त तो बोलते हुए मुझे शर्म आती है। ड्रामा मत कर। ओ भाई, भाड़े की कार है, ऑलरेडी साइड का मिरर टूट चुका है, मुझसे संभल कर चलाना। Bobby here. Have a look at this photo. That's not Bobby. That's Sister Lisa. She's working here. Can I meet her? No, that's not possible.
A school bus met in an accident. She's gone to save them in the hospital. It's a critical case. Oh, okay. Thank you. You're from? India. And your blood group? A positive. Thank you. हाँ? लगता है ये कोई दूसरी लड़की है। क्या हालात हो गए? इतने दूर से तू इसके लिए यहाँ पर आया और फंस गया। Same face, same voice. एक promise करोगे? मेरे पास आओ। Actually, I'm nearing death. हाँ? ये क्या कह रही हो? Actually, मुझे कभी भी मौत आ सकती है. 6 days, 6 weeks, 6 years, I don't know. So if you have anything in your mind, please don't go ahead. Cancer. ये बात ग्रुप में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए. अगर पता चल गई तो लोग मुझे अजीब तरह से देखेंगे. It irritates me and I don't want anybody's sympathy. That's why I live my life bold, carefree, fast biking. Actually, you are a fabulous guy, but I can't be in love with you. Find someone. Good luck. But वो ये नहीं ऐसा कह रही है. बोल रहा हूं कि वो बॉबी नहीं है. अगर वो बॉबी होती तो इसे देखकर आखिर वो क्या करती? इसे चप्पल लेकर मारती थी. देख भाई, मैंने भी बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं. इसीलिए वो पक्का बॉबी हो ही नहीं सकती. वो चाहे लीजा हो, गीजा हो, बोजा हो, मोजा हो या कोई और हो, उसे छोड़ो ना. देखो, हम स्विट्जरलैंड आए हुए हैं. पूरे 30 दिन का वीजा है, उसे वेस्ट थोड़ी करना है. बहुत पिएंगे, खूब खाएंगे. ब्यूटीफुल लड़कियां हैं आसपास, उन लोगों के साथ रहकर हाथ हाथ मिला मिला कर खूब मजे करेंगे. Anyone's dog? No, not mine. Excuse me. Actually, वो मेरा डॉगी है. Can I? What? I mean, that puppy belongs to me. Can I have it back, please? Thank you. छोड़ दिया. चाहे तुम कुछ भी छोड़ो, ये वर्कआउट नहीं होने वाला.
वो अभी नन बन गई है, ये वो नहीं है। हाँ चलो भाई, कोई फायदा नहीं हुआ, चलो। स्विट्जरलैंड तो बहुत ही कमाल की जगह है। एक तो ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से गर्मी लग रही है। कुछ भी करके आज इसके साथ मुझे नहाना पड़ेगा। Excuse me, Bobby. Bobby, I'm observing you. You're following me. I'm sorry, you got the wrong person. तुम पिलाकर पूछो तो भी बात वही है, बिना पिलाए पूछो तो भी बात वही है। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और तू मूर्ख है, 100% मूर्ख। तू पागल है, 100% पागल। ये बात सच है। मुझे भी वो बॉबी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी उसे उस हाल में नहीं देखना चाहता। उसे लीसा ही रहने दो। आज से मैं अपने काम पे लग जाऊंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। पापा, पापा! ओह माय गॉड, बेटी तुम यहां? अब आफ्टर लॉन्ग टाइम। बॉबी बेटा, पापा वो आया है। कौन बेटी? अमर, उसका नाम लेने से भी मुझे घिन हो रही है। जब हम यहाँ इस शहर में आए थे तो मेरे दिल में बस एक ही बात थी, मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहती थी, पर अब वो इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं नहीं जानती वो यहाँ क्यों आया है। पापा प्लीज कुछ कीजिए, ही शुड नॉट फॉलो मी। उसका चेहरा देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे खुद से घिन होने लगी है। प्लीज पापा कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज पापा। अब मैं चलती हूँ। बोल भाई। दुनिया में एक ही चेहरे के साथ लोग रहते हैं, ऐसा तुमने कहा था। हाँ, ऐसा सुना था। Yes, you're right. But उसका बाप भी एक ही जैसा रह सकता है? What do you mean, man? पी कर बात कर रहा है। क्या मामा, बाप भी एक जैसा ही होगा क्या? चांस ही नहीं है। मैंने आज उसे देखा है, उसके पिताजी के साथ। She is Bobby. Confirm. अच्छा, अगर वो बॉबी है तो चलो इस बात को मान लेते हैं। अच्छा ही हुआ, टेंशन कम हो गई ना। अब ये बताओ कि आगे का स्टेप क्या है।
मैं यहां आया हूं, उसने आपको बताया होगा, ये बात मुझे पता है, और मैंने आप दोनों को साथ में देखा भी है, तभी मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस समय चुप था आपका रिएक्शन देखने के लिए। थो, कैसे इंसान है आप, मारने के लिए गुंडों को भेज देते हो, भाड़े के गुंडों को, बंदूक लेके आने वाले गुंडों से भी मैं नहीं डरता, मेरे पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये सीना मर्द का है। मैं यहां इसलिए आया हूं कि उस दिन उसने ऐसा कहा था कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी और वो देखकर मुझे जलन होगी, ऐसा उसने मेरे साथ चैलेंज किया था ना, लेकिन अब क्या हुआ सर, क्या किया आपने, मैं गरीब हूं इसलिए आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, और आज आपके पैसे ने आपकी बेटी के साथ क्या कर दिया, क्या हुआ सर उसकी लाइफ में। हम मैंगलोर से वेडिंग पार्टी खत्म करके स्विट्जरलैंड में शादी फिक्स करके हम लोग स्विट्जरलैंड आ गए। हम भी यहीं सेटल होना चाहते थे। शादी के लिए एक महीने का वक्त था। मेरी बेटी उस लड़के के साथ जुड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच बीच में वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। एक दिन वो उसे पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर गया था। लेकिन किस्मत देखो, वो हुक पहनना भूल गया था और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। शादी के लिए अभी 10 दिनों का टाइम था, लेकिन वो लड़का मर गया। फिर उसके बाद मेरी बेटी बहुत शांत हो गई। फिर जब भी देखो उसे, वो अकेली गुमसुम नजर आती थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी, घर में भी वो ऐसे ही रहती थी। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं उससे बात करने के लिए उसके रूम में उसके पास गया। वो चुपचाप बैठी हुई थी। अब बेटी, देखो ना, जोरदार बारिश हो रही है, जाओ बेटी जाकर भीगो ना, मां से नहीं मिलना है क्या? नो। उस दिन मुझे बहुत शौक लगा। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरी पसंदीदा जगह पर आ जाओ। मैं उससे मिलने इंटरलेक व्यू पॉइंट पर गया। बॉबी बेटी, जिससे मैंने प्यार किया था उससे शादी नहीं कर पाई। Not the person you chose for me. No more marriages in my life, Papa. आज के बाद शादी की बात भी आप नहीं करेंगे। मुझे शादी नहीं करनी है पापा। ठीक है बेटी, I'm sorry. Sorry. दुनिया बहुत बड़ी है बेटी, तुम्हें जैसे जीना है जियो, जो करना है वो करो, लिव योर लाइफ बेटी, जहां रहो खुश रहो। ठीक है, दिन गुजरते जा रहा था। फिर एक दिन वो बोली, पापा मैं एक हॉस्टल ज्वाइन करना चाहती हूं। मैंने ये सोचकर हां कर दिया कि शायद वो कुछ दिनों के लिए आराम कर ले, लेकिन वो काफी दिनों तक घर नहीं आई। जब मैं उससे मिलने की बात करता था, तब वो अपनी पसंदीदा जगह इंटरलेक व्यू पॉइंट पर मुझे बुला लेती थी। मैं वहां जाता था। जब मुझे उसे देखने का दिल करता था, तो गंडवल वैली के पास सनसेट व्यू पॉइंट में मैं जाकर उसे देख लेता था। उसे कोई डिस्टर्ब करे पसंद नहीं था, इसीलिए मैं उसे कार में जाते जाते देख लेता था।
ज्यादातर समय वो चर्च में ही बिताती थी। एक दिन उसने मुझे बोला, पापा मुझे आपसे मिलना है, आप चर्च में आ जाइए। एक्सक्यूज मी, बेटी। आई एम सॉरी पापा फॉर एवरीथिंग। इस खूबसूरत दुनिया में सब खुशी से रह रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी गूंगी बन गई। उस दिन से मेरी सारी खुशियां पूरी तरह से मिट गई, लेकिन अब मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही है और वो तुम में है। जानते हो, तुम्हें देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुरानी बातें भूल जाओ अमर बेटा, क्या तुम मेरी बेटी के दिल में प्यार जगा सकते हो? प्लीज एक बार फिर से ट्राई करो। Give this to that lady over there. All right. This is for you. Where did you get it? That guy over there. Bobby, I love you. I love you. I will love you forever. Why are you behind Sister Lisa? I'm not after Sister Lisa. I'm here for Bobby. Please check her passport. Can I see your passport? पता नहीं अब क्या होने वाला है। Oh God, please save me from him. Oh, Bobby from India. Yes. Shouldn't have given it. Step up, up, up to the way. People in the middle of the alley want to bump and everybody who just paid it. People snuck up in the trunk. People in the middle of the alley want to bump and everybody who just paid it. People snuck up in the trunk. I think it's next, sir. Yeah, maybe. Where is your passport? My passport is with Amar. Who is Amar? Who is Amar? Hey! Mm-hmm. Who invented bulb? Thomas Edison? Aha! The lady who invented phone? Gramble. Hey lady, who invented television? Philo Farnsworth. Very good, very good, smart. Who invented walkie-talkie? Alfred. Good. Who invented Switzerland? Maria Magnuski. No! Mr. Amar. Switzerland is invented by Amar. मेरे पूरे के पूरे documents उसी के पास हैं, तो उसी से ले। हाँ। Oh, so he will come here? उसे समझ क्या रखा है? ये पूरा Switzerland तो उसी ने invent किया है। He will come now. Yes. Amar, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। इन लोगों से बस अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैं बात बताता हूँ तुम्हें। एक दिन शाम को स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा में वॉकिंग करते करते एक सुंदर लड़की को मैंने देखा। मैं उसे देखता ही रह गया। उसने स्माइल दी। उसने क्या जबरदस्त स्माइल दी थी। बहुत ही सुंदर थी, इसलिए मैंने खुद को फिक्स कर लिया। अब इनसे तू ही मुझे बचा सकता है। कुछ करना यार, कुछ कर भाई, कुछ कर। I love her. मेरा भी कुछ मामला एडजस्ट करवा देना। Actually, you have mistaken him. He truly loves you. I love you. I
मिस्टर अमर, अपने देश में तुम अकेले ही जा रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूँ। वजह है, स्विट्जरलैंड की लड़की से शादी करके मैं यहीं सेटल होना चाहता हूँ, और अब ये मेरा अटूट फैसला है। Oh, I am in love. Yes. So, I am a green card holder here. अब तू एक काम कर, अकेला प्लेन में बैठकर यहाँ से चुपचाप चला जा। मेरा बच्चा होने के बाद मैं तुझे ईमेल करूँगा, कुरियर से तू अच्छा सा गिफ्ट भेज देना। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। बाय। अबे जावे। से कुछ बात करनी है। बॉबी, बॉबी स्टॉप। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। तुम बॉबी बॉबी बोल के मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? तुम्हारी बॉबी तो उसी दिन मर चुकी थी। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में बस एक ही खुशी बची थी कि मुझे तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना होगा, पर तुमने यहाँ आकर मुझसे मेरी वो खुशी भी छीन ली। प्लीज गिव मी अ चांस। प्लीज डोंट एवर फॉलो मी। Please don't take away my happiness. Bobby, मेरी की हुई गलती तुम्हें यहां तक लाकर छोड़ेगी मुझे पता नहीं था। सात जन्म ही नहीं, हजारों जन्मों तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। I still love you. उसने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब आप मुझे उससे बचा लीजिए। जीसस, प्लीज सेव मी। अरे, अब इसे क्या हो गया? उससे शादी करके स्विट्जरलैंड में सेटल होने की सोची थी मैंने, और मेरे साथ ये क्या हो गया? पता है क्या हुआ? मेरी लवर मेरी बाहों में बाहें डाल के मेरे साथ बैठी हुई थी और मुझसे बहुत प्यार से नजरें मिला रही थी, और उसके बाद मैंने क्या देखा कि उसका दूसरा लवर ठीक उसी तरह उसके साथ चिपक के बैठा होता। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। सोचो मेरे पे क्या बीतेगी, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। भाई मैं भी तेरे साथ वापस देश चलना चाहता हूँ। चांस ही नहीं है। अरे भाई तू ही तो मेरा भगवान है। देख सुन, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। सेकंड के लिए तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। हे, कम से कम कपड़े पहन के तो बैठा कर। मैं जा रहा हूँ, आंखों में ड्रॉप डाल के आता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इंस्पिरेशन। आप भी इसके साथ मिले हुए हैं। माय इंस्पिरेशन वाज अ स्पेशल पर्सन नेम बॉबी। शी इंस्पायर्ड मी टू डू मेनी थिंग्स। Bobby is the love of my life. She was my heart, and today, in her name and her honor, I'm going to make a donation of 1,000,000 francs to your school. And I would like to present that check to your very own sister Lisa. With your permission, mother. Of course. Sister Lisa, please come up. It's all for you. Thank you, sir. मुझे नाटक करना नहीं आता है बॉबी। अमर क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? पागलों की तरह नहीं, ये सब रियल है। देखो मुझे तुमसे दिल से प्यार नहीं है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अपने बाप के बताए हुए लड़के से शादी कर लो। हाँ और क्या, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उस लड़के के पास भी पैसा है, उन दोनों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं
जीरो अकाउंट बैलेंस। मेरी बात मानो, उससे शादी कर लो। पैसे और दौलत के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, मुझे चाहिए था प्यार और वो मुझे तुमसे मिला है। मुझे बस तुम चाहिए, मुझे पैसे और इस धन दौलत की परवाह नहीं है। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मेरी बात समझो बॉबी, बात समझो मेरी। फालतू में तुमसे शादी करके जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। मैं पहले से भाड़े के घर में जिंदगी काट रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ बताओ? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रास्ता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमसे पूछना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया, मुझसे वादा किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अमर, तुम तो अपने प्रॉमिस के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो आज तुम्हें क्या हो गया है? देखो, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। हाँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती कर दी। बट डोंट गिव मी दिस पनिशमेंट, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। चलो चलते हैं, चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो। मैं रो रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। No way, चांस ही नहीं है। बॉबे, तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। In fact, I never liked you. सब कुछ झूठ है बॉबे, It's all a lie. अगर सच बात कहूँ तो तुम्हारे चेहरे से भी मुझे सख्त नफरत है। I never liked you, baby. Never liked you. Get lost. सुनो, ये तुम्हारा लुक, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का बिल, तुम्हारी ये कॉस्टली बाइक, तुम्हारा घमंड और इतने रुतबे से तुम्हारा बात करने का अंदाज, ये सारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, तुम्हें कैंसर है ऐसा तुमने झूठ बोला था ना, और मुझे अपने पीछे पीछे घुमा रही थी, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। जानती हो क्यों? तुमसे प्यार करके तुम्हारे बाप को मना के तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम्हारे नाम पर जो 500 करोड़ रुपए की जायदाद है वो मेरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा बाप किसी और के साथ तुम्हारी मंगनी करवा रहा है। पैसा बड़ा है या प्यार बड़ा है, ये देखा जाए तो पैसा ही सबसे बड़ा होता है बॉबे, लेकिन अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। सो एक ना एक दिन मैं तुम्हारे बाप की तरह बनूंगा। मोबाइल में तुम्हारे और मेरे जो फोटोज हैं वो मैं सबको भेजूंगा कहकर तुम्हारे पापा को मैंने बहुत डराया था। उन्होंने डर के मारे पूछ लिया कि क्या चाहिए। मैंने 50 करोड़ रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। तुम्हारे प्यार को मैंने सेल कर दिया। आई सोल्ड योर लव बॉबे फॉर 50 crores। 50 crores आई एम वर्थ टुडे बॉबे। ओए, पैसा हो तो तुम जैसी 100 लड़कियां मिलेंगी, और आज उतने पैसे मेरे पास हैं। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो बॉबी, यकीन करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे पिताजी ने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए हैं। यकीन हो गया? अब जाओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। गो 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 गो, एए, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। इस दुनिया में अगर कोई सबसे नीच इंसान होगा तो वो तुम होगे। तुम एक धोखेबाज हो। ठीक है, मैं उसी से शादी करूंगी और उसके साथ जिंदगी भर खुश भी रहूंगी, और तुम घुट घुट कर मरोगे ये भी मैं देखूंगी। गुड बाय। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। बॉबी, 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 ये नाम लेने का हक तुम कब का खो चुके हो? मुझे प्यार पर भरोसा नहीं था, पर तुम मेरे पीछे पड़े रहे और प्यार जताया। प्यार में पड़कर मैंने हजारों सपने देख लिए। सोचा था कि अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुमने प्रॉमिस किया, कितनी बातें की, फिर कह दिया तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। पैसों के लिए मेरे प्यार को बेच दिया। पैसे रहेंगे तो मेरे जैसे हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, यही कहा था ना तुमने? अब क्या हुआ? अब तो तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर क्यों यहाँ आए हो? पिछले 5 साल के एक एक दिन, एक एक पल मैंने कितनी तकलीफ से बिताए हैं, क्या तुम्हें ये बात पता भी है? मेरी बची हुई खुशियों को भी क्यों छीनना चाहते हो? तुमने जो मेरे साथ धोखा किया उसके लिए ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। प्लीज सर, अगर आप सच में मेरा भला चाहते ही हैं, तो मुझे अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना।
बॉबी बेटी, गलत तुम हो बेटी, वो गलत नहीं है। दरअसल उस दिन क्या हुआ था ये तुम्हें नहीं पता है। उस दिन उसके पिताजी का 11वां दिन चल रहा था। इस उम्र में आपको ऊपर वाले ने जो सजा दी है, मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं। अगेन आई विल प्रे टू हिम टू गिव यू ऑल स्ट्रेंथ। एक मिनट के लिए क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूं प्लीज? अमर, आई एम सॉरी फॉर द ग्रेट लॉस। शायद तुम्हें मेरी बेटी ने सब कुछ बताया होगा। वो जब बहुत छोटी थी, 5 साल की, तब उसकी माँ चल बसी। वो मेरी इकलौती बेटी है, इसीलिए वही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी है वो। और उसी की खुशी के लिए मैंने अपनी जिंदगी के सारे अरमानों को दिल में दबा लिया। मुझे बेटी के साथ रहना है और उसकी शादी एक अच्छे लड़के के साथ करनी है और उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, बस यही मेरी चाहत थी। मेरी बेटी मेरे सामने कभी भी किसी लड़के के बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन उसने एक दिन तुम्हारे बारे में मुझसे बात की और तुम्हारे लिए मुझसे पैसे मांगे। मैंने दिए। फिर उसी दिन से मेरे आदमी तुम दोनों को फॉलो कर रहे थे और तब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। जी हाँ सर, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। यही, बस यही मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरा सारा सपना टूट गया। अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो शायद मेरा सपना एक बार फिर से जुड़ जाए। अगर तुम उससे ही शादी करना चाहते हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आज जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी का 11वां दिन चल रहा है ना, वैसे ही आने वाले 11वें दिन में मेरे घर में मेरा ही 11वां दिन होगा। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। उसकी बचपन से ही मां नहीं है सर, अगर आप भी नहीं रहे तो ऐसी बातें मत कीजिए। बॉबी से अगर मैं शादी करूंगा तो उसे एक पति मिलेगा, और आप जिससे चाहते हैं उसके साथ वो शादी करेगी तो उसे पति भी मिलेगा और साथ में पिता भी मिलेगा। एक पिता की कीमत क्या होती है ये मैं अपने पापा को खोकर महसूस कर चुका हूं। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं आपकी बेटी से कभी नहीं मिलूंगा। थैंक यू। तुम तो उसे छोड़ दोगे लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ पाएगी। अगर तुम्हें उससे दूर होना है तो तुमने उससे जो भी प्रॉमिस किए हैं उसे तोड़ना होगा। आपके लिए आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस। और जैसा कि लोग कहते हैं वो मेरे दिए हुए पैसों से नहीं जी रहा है। मैंने उसे कभी पैसे नहीं दिए, वो अपनी मेहनत से कमा कर जी रहा है। और ये भी सच है बेटी कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जैसे ही उसे तुम्हारे बारे में पता चला वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गया। पापा, मेरी ये हालत आपकी वजह से है, ये बात मैं नहीं जानती थी। मैंने उस पर भरोसा किया था, दुनिया से ज्यादा, आपसे ज्यादा, खुद से ज्यादा, सिर्फ उस पर भरोसा किया था, लेकिन आपकी वजह से मुझे ये चुनना पड़ा। उसने धोखा दिया, आपने भी धोखा दिया, ऊपर वाले ने ही धोखा दे दिया। आज तक मैं इसलिए जिंदा थी क्योंकि मुझे लगता था कि आत्महत्या गलत है, बट नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लिव। बेटी, पापा, अब आपसे, इस दुनिया से सबसे दूर जाना चाहती हूँ मैं, सो प्लीज डोंट स्टॉप मी। I'm sorry. Please forgive me. No. हम सब आज तक तुम्हें बहुत गलत समझ रहे थे अमर,
हम सबके ताने सुनकर और दुनिया वालों के ताने सुनकर तू कैसे कैसे सब्र कर रहा था तू अमर? तू देवता है, तू देवता की तरह है अमर। नसीब का कुछ नहीं कर सकते, ये सब तकदीर का ही खेल है। hey, मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? कब तक ऐसी ही खड़ी रहोगी? बस करो, कितनी बार कहोगे? तुम ये जानना चाहते हो ना कि जब भी आसमान से पानी बरसता है तो मैं क्यों खुश हो जाती हूँ, मैं बारिश में क्यों भीगती हूँ? आज बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मे बी अराउंड 5 years, आई लॉस्ट माई मदर। वो भी कैंसर से मरी थी। एक्चुअली मेरी माँ को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश होती थी वो घर से बाहर निकल जाती थी। एंड वी बोथ यूज्ड टू स्टैंड इन द रेन। बारिश में भीगते थे, नहाते थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और आजकल आई एम मिसिंग हर टू मच। इसीलिए जब भी बारिश होती है मैं भीगने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मेरी माँ ही बारिश बनकर बरस रही है। लगता है एज इफ शी इज ब्लेसिंग मी। माई फादर इज अ ग्रेट मैन। माँ को कैंसर है ये पता चलने के बाद भी उन्होंने माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। माँ के मरने के बाद हमारे रिश्तेदारों ने उनसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, बट ही डिडंट। ही सैक्रिफाइस्ड ऑल हिज हैप्पीनेस फॉर मी। लाइफ में मुझे बहुत लड़कों ने प्रपोज किया है, पर जैसे ही बताया कि मुझे कैंसर है, वही प्यार करने वाले, प्रपोज करने वाले मुझसे दूर भाग गए। और कुछ लड़के ऐसे थे जो इसलिए मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि मेरे पास पैसा है। बट यू आर रियली स्पेशल। मुझे कैंसर है ये पता चलने के बाद यू स्टार्टेड केयरिंग फॉर मी। इन यू आई फाउंड क्वालिटीज ऑफ माई फादर। तुम्हारे अंदर मेरे पापा के बहुत से गुण हैं। यू आर रियली स्पेशल। इसलिए तुम्हें ये सच बता रही हूँ। आई डोंट हैव कैंसर। मैंने ये झूठ तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए कहा था। मैं चाहे 6 दिन जिंदा रहूं, चाहे 6 महीने जिंदा रहूं, या 6 साल जिंदा रहूं, मेरी लाइफ में जो लड़का रहेगा वो सिर्फ तुम हो, अमर। I love you। मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। जिंदा रहो, 6 हफ्ते जिंदा रहो, 6 महीने जिंदा रहो, या 6 साल जिंदा रहो, यू विल बी द ओनली गर्ल इन माई लाइफ। आई लव यू। मेरी मौत में भी तुम मेरे साथ रहोगी। Thank you.
अमर। अमर का अर्थ तो बहुत बड़ा होता है। वो कभी हार नहीं मानता, चाहे वो किसी के साथ प्यार हो, चाहे वो चैलेंज हो, चाहे जिंदगी हो। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी ताकत बनकर, तुम्हारा भाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मां, what to do? Sister, love is God. Trust is God. You can still go back to your colorful life. तुम्हारा प्यार जीत गया। Thank you, sir. Amar, I love you. Bobby, I will love you forever. Yes, done. All the best. मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? चांस ही नहीं है, नो वे। मेरे दिल का टुकड़ा, ये फिल्म मेरे लिए बनाई गई है। मेरे इतने लंबे करियर में मेरे लिए कैमरा के सामने एक्ट की हुई ये आखिरी फिल्म है। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी को इसके माध्यम से आप सबके सामने पेश कर दिया है।